हेलो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तो देखिए मैं आपका दोस्त अब है आज आप लोगों के साथ देख कर आया हूँ वीडियो जिस भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया है उनके सेमेस्टर वन के एग्जाम चल रहे हैं कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं फेब्रवरी मार्च टू में तो उसमें उनका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज मैं लेकर आया हूँ उसकी एक वन शॉट रिविजन वीडियो जिसमें मैं उसमें कंप्लीट थ्योरी कंसेप्ट जितना भी थ्योरी कंसेप्ट है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिवाइज करवाने वाला हूँ आप सभी को तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो क्योंकि थ्योरी का कंटेंट भी आना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में तो जितना रिलेवेंट कंटेंट है मैं वो आप सभी के साथ लेकर आया हूँ शेयर करने वाला हूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की अपनी वीडियो

उसके बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट बताना कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है क्या फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये सारी चीजें बताना भी अकाउंटिंग का फंक्शन है थर्ड मीटिंग लीगल नीड्स अब देखिए बिजनेसेस को टैक्सेस भरने पड़ते हैं और टैक्सेस किसके बेसिस पर भरते हैं जो उनके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उनके बेसिस पर और फाइनल अकाउंट्स बनाने का फंक्शन किसका है अकाउंटिंग का तो एक तरीके से ये लीगल नीड्स देंगी इनको पूरे करने का भी फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का फोर्थ है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स अब बिजनेस के एसेट्स को प्रो, प्रोटेक्ट करके रखना एक अकाउंटिंग एक का मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट कैसे करके रखता है जब हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है कि हमारे पास कौन सा कितना एसेट्स है कौन सी कितनी लाइबिलिटी है तो हम उससे उसका सही से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे फिफ्थ है अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन टास्क ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करती है मैनेजमेंट को सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके हेल्प करती है प्लानिंग में कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन में इन सारी चीजों में सिक्स है स्टीवर्डशिप और ट्रस्टीशिप इन केस लिमिटेड कंपनी द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द रिसोर्सेज ऑफ़ एंटरप्राइज द मैनेजर आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट ट्रू ट्रस्टी ऑफ द फंड एंड द अकाउंटिंग हेल्प देम टू अचीव देम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है उनमें जो मैनेजमेंट है वो उसको ट्रस्ट होता है उसके एंटरप्राइजेज के रिसोर्स के ऊपर मैनेजर को समझा जाता है कि ये जो भी डिसीजन लेगा एंटरप्राइज के एसेट्स से रिलेटेड वो सही होगा तो इसमें उसकी हेल्प कौन करता है अकाउंटिंग उसकी हेल्प करती है सेवेंथ है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हेल्प इन कम्पिटिशन और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज अकाउंटिंग से क्या होता है जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगता है जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और ज्यादा कर सकते हैं ठीक है और कुछ फंक्शन दिए हैं ये वही, है, वही सारे फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल रिजल्ट वही सारे जो हमने पढ़ लिए हैं वही फंक्शन हैंगे ये भी ठीक है अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस क्या क्या होती है अकाउंटिंग की तो लिमिटेशन में नंबर वन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब वही ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड जा सकती है जो कि मनी के टर्म में मेजर हो नॉन मेनेटरी ट्रांजेक्शन को सकते से इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेन इज नॉट टेकन इन टू जो फिक्स एसेट्स होते हैं अकाउंटिंग में वो किस पर रिकॉर्ड किया जाते हैं जो उनकी ओरिजिनल कोस्ट होती है और उन पर जो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, हुआ होता है उनके अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड किया जाता है उसमें कोई भी उनके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से जो इफेक्ट पड़ा होगा उनकी कॉस्ट पर वो रिकॉर्ड नहीं होता है ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो जाती है थर्ड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज समाइम बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एस्टिमेट्स आर ऑफन ऑन जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसमें कई बार क्या होता है जो ये बेस्ड होती है किस चीज पर बेस्ड होती है ये एस्टिमेट्स और एजम्पन्स पर बेस्ड होती है तो इसका एक ये हरदम एजम्पन जो हम करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होती ये इसकी एक लिमिटेशन है फोर्थ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज एज ओनली टेस्ट ऑफ मैनेजर परफॉर्मेंस ऑन बेसिस ऑफ मोर प्रॉफिट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर कि प्रॉफिट अच्छा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते प्रॉफिट ऑफ ए पीरियड ऑफ वन ईयर कैन रीडली बी मैनिपुलेटेड बाई ऑफ एड एडवर्टीजमेंट क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं हम अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह की कॉस्ट को कम दिखा देंगे तो वो हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगेगा तो इस तरीके से ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो की कई केसेज में कैसे हो जाते हैं कॉन्ट्राडिक्ट प्रिंसिपल हो जाते हैं मतलब एक दूसरे से अगेंस्ट बता देते हैं ये प्रिंसिपल एक किसी भी स्टेटमेंट को अब आगे आएगा हमारे पास परचेज बुक क्या होती है तो परचेज बुक एक बुक होती है जिसमें हम सभी क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं इसमें कोई भी कैश परचेज नहीं आएगी और सिर्फ किसकी गुड्स की परचेज जो होती है बिजनेस में कॉमोडिटीज की उसकी परचेज को रिकॉर्ड करते हैं कोई भी एसेट क्रेडिट परचेज हुआ हो वो सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड नहीं करते इसे हम और क्या बोलते हैं बाउट बुक भी बोलते हैं बाउट डे बुक परचेज डे बुक इन बुक इन सब नामों से इसे जाना जाता है ठीक है परचेज बुक का देखिए आपके सामने फॉर्मेट है एक कॉलम डेट का होता है पर्टिकुलर्स का होता है लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है डिटेल्स होती हैं दूसरे लास्ट वाले में फाइनल अमाउंट्स आती हैं ये आपका फॉर्मेट होता है परचेज बुक बनाने का इसमें सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है किसकी गुड्स की कोई भी एसेट की परचेज या फिर कोई भी कैश परचेज इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी नेक्स्ट आता है आपका सेल्स बुक सेल्स बुक क्या होती है तो जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं कोई भी एसेट की सेल्स या कैश सेल्स इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी इसे हम डे बुक सोल डे बुक और सेल्स डे बुक के नाम से भी जानते हैं देखिए ये फॉर्मेट है आपके पास सामने सेल्स बुक का सेम वही फॉर्मेट है डेट का कॉलम पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिटेल्स और अमाउंट ये कॉलम होते हैं सेल्स बुक में परचेज रिटर्न बुक क्या होती है तो परचेज रिटर्न बुक वो बुक होती है जिसमें हमारी अगर कोई परचेज जो हमने करी थी कोई भी चीज खरीदी है उसे जब हम वापस बेचते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं दीज रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक रिटर्न इसे हम और क्या नाम से जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं इसे ठीक है सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है अगर हमने कोई सेल्स करी हो किसी कस्टमर ने उस सेल्स को वापस कर दिया तो वो सारी सेल्स इसमें सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी इसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक के नाम से भी जानते हैं

ऐसे ही होती है आपकी कैश बुक अब कैश बुक क्या होती है तो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं बुक में उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं इफ एवरी कैश ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड इन जनरल फर्स्ट एंड एंडस अमाउंट ऑफ क्लरिकल लेबर वुड बी टेटल इन डेबिटिंग और क्रेडिटिंग कैश अकाउंट एवरी टाइम कैश इज रिसीव और पेड दिस लेबर कुड बी अवॉइडेड बाई कीपिंग सेपरेट कैश बुक रिकॉर्ड और कैश ट्रांजेक्शन दिस मेक द कैश बुक मोस्ट इंपोर्टेंट अदर देन सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है एक बिजनेस में कैश की सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन ज्यादातर कैश में होती है तो उन सभी को जनरल में रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक पर्सन को हमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करने के लिए रखना पड़ेगा फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती इतनी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है कई बिजनेसों में तो क्या करा जाता है उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम उसे डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो कैश बुक एक तरीके से जनरल और लेजर दोनों का काम करती है ठीक है और इसे इसीलिए एक स्पेशल सब्सिडरी बुक में गिना जाता है इट समाइम कैश बुक और सब्सिडरी बुक और अकाउंट और अ पार्ट ऑफ लेजर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्सिडरी बुक है कैश बुक या लेजर है तो कैश बुक इज जनरली ट्रीटेड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं बिकॉज ऑल एंट्री पेटेन टू कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डायरेक्ट इन टू इट क्योंकि जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन की जाती है no really speaking, so Lekin, जो ये बुक होती है इसमें हम जनरल वाली सारी ट्रांजेक्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं और ये एक तरीके से जो इसमें जो फॉर्मेट होता है वो लेजर वाला होता है तो इसे दोनों का न, काम करती है ये फॉर्मेट देखिए कैश बुक का ये फॉर्मेट होता है इसमें डेट का कॉलम पर्टिकुलर का डिस्काउंट और अमाउंट इसमें आप तीन कॉलम की भी बना सकते हैं दो कॉलम की तीन कॉलम की सिंगल कॉलम ये तीन टाइप की कैशबुक आती हैं तो डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट और अमाउंट का डेबिट साइड में और सेम डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट और अमाउंट का क्रेडिट साइड में ऐसे कॉलम बनते हैं ये फॉर्मेट दिया है मैंने आपको इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लास्ट में क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है बैलेंस क्रेडिट डाउन

जो टैक्स कैलकुलेशन होता है इनकी इस बिजनेस इनकम पर वो सब में अलग अलग होता है सोल प्रोपराइटरशिप में अलग पार्टनरशिप में अलग और लिमिटेड लाइबिलिटी में अलग पहले अगर सोल प्रोप्राइटरशिप दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी एंड देर फॉर टैक्स इज कैलकुलेटेड एज एन इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें हम बिजनेस को ऑनर से अलग नहीं मानते हैं और हम टैक्स ऑनर की इनकम पर कैलकुलेट करते हैं सेकंड है पार्टनरशिप दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज अन इनकॉर्पोरेटेड टू अप मोर पार्टनर वर्क टुगेदर शेयरिंग द पार्टनरशिप कैन नॉट मेक टैक्सेबल देर फॉर इच पार्टनर इज लाइबल जो पार्टनरशिप होती है इसमें भी ये अनइनकॉर्पोरेटेड होती है रजिस्टर्ड नहीं होती इसमें पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं तो इसको भी हम अलग नहीं मानते हैं और जो हमारे पार्टनर्स की इनकम होती है उसी पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी तो ये एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन का तो इंडिविजुअल जो होते हैं वही लाइबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए बट कंपनी के केस में क्या होता है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इंडिविजुअल से तो कंपनी को खुद अपना टैक्स पे करना पड़ता है ठीक है अब आगे आएगा मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या होती है तो टर्म इन्वेंट्री और मर्केंडाइज और स्टॉक इन ट्रेड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स दैट आर बिजनेस थ्रेड फॉर सेल फॉर एट अ टाइम इन्वेंट्री क्या होती है वो सभी गुड्स जो कि एक कंपनी के पास फर्म के पास अवेलेबल हैं बिजनेस के पास अवेलेबल हैं बेचने के लिए उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं इसे हम मर्केंडाइज और स्टॉक इन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं इन अकाउंटिंग इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड गुड्स दैट आर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और अकाउंटिंग में जो इन्वेंट्री होती है उसे उसमें कई सारे गुड्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है रॉ मेटेरियल है ये सारी चीज़ें भी इन्वेंट्री में इंक्लूड की जाती हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इशूड बाई आई सी आई ऑफ द इन्वेंट्री एसेट आर जो आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है इन्वेंट्री एसेट्स आर क्या क्या इन्वेंट्री में आता है फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस स्टोर पार्ट्स, रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड मशीनरी और इन्वेंट्री में मशीन्स इंक्लूड नहीं होती हैं इन्वेंट्री दो टाइप की होती है अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके पास क्या क्या इन्वेंट्री होगी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स और अगर ट्रेडिंग कंसर्न है सिर्फ बेचने का और खरीदने का काम करती है तो उसके पास सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री अवेलेबल होगी आगे एट द एंड ऑफ ईयर ईच ट्रेडिंग एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री विच इंक्लूड लॉ मटेरियल इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड एंड मिशिलिनियस आइटम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट देआर फॉर इट इज ने टू नो द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट चाहे कोई भी बिजनेस एंटिटी हो चाहे ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो सभी को अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी ही पड़ती है जिसमें क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड ये सारी चीजें आ जाती है जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देता है इसलिए इसको हमें फाइनल अकाउंट बैलेंस बनाने से पहले ही वैल्यू करना पड़ता है

अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल बी अ मेजर इंपैक्ट ऑन बिजनेस डिटर्मिनेशन इन वैलुएशन आर ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड इन्वेंट्री वैल्युएशन का बिजनेस की इनकम पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर वो ओवर स्टेट हो जाए या ज्यादा अंडर इस्टेट हो जाए तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट होता है तो नेट इनकम भी हमारी ओवर स्टेट हो जाती है मतलब बढ़ जाती है अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट है तो नेट इनकम डिक्रीज हो जाएगी अंडर स्टेट हो जाएगी अगर वो क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट है तो इनकम भी हमारी अंडर स्टेट होगी और ओपनिंग स्टॉक अंडर स्ट्रेन है तो इनकम हमारी ओवर स्टेट हो जाती है अब देखिए टू डिटरमाइन हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जरूरत किस किस लिए पड़ती है तो नंबर वन टू डिटरमाइन फाइनेंशियल सिचुएशन बिजनेस की फाइनेंस फाइनेंशियल सिचुएशन को करेक्टली फाइंड करने के लिए हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट है लिक्विडिटी एनालिस करने के लिए जरूरत पड़ती है थर्ड फोर्थ है स्ट्रेटिकायस मतलब जो शेड्यूल थ्री है बैलेंस शीट जिसके अकॉर्डिंग बनती है कंपनीज एक्ट का उसमें इन्वेंट्री को दिखाना कंपलसरी होता है अब बेसिस प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है उसमें क्या कहा गया है कि चाहे कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कुछ भी लोअर होगी उसी पर इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा ठीक है अब कॉस्ट क्या होती है तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ गुड्स जब हमने गुड्स खरीदे थे तो हमने कितनी अमाउंट पे करी थी वो होती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है तो इन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक दिस सेल एंड्रेजल इज मेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम बाय आइटम इन आज इट अप्रोक्ट टू ग्रिप सिमिलर और रिलेटेड ऑब्जेक्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है वो वैल्यू जो अगर हम गुड्स को अभी देखें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या लाती है तो इनमें से तो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी कम होता है उसी पर इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है बेसिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के यही वो यही आपको बता रखा है ऊपर ये अब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो सिस्टम होते हैं पेरेडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम तो पेरियोडिक सिस्टम क्या होता है ये देखना है हमें और परपेचुअल सिस्टम क्या होता है है ये देखना देखिए मैं डिफरेंस लेकर आया हूँ सबसे पहले मीनिंग तो में दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल काउंट जब हम सभी क्वांटिटी का फिजिकली काउंट करें उनको उनको जा जाकर चेक करें कि किस चीज कि, कि की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है तो वो कहलाता है पेरोडिक इन्वेंटरी सिस्टम परपेचुअल क्या होता है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूस इकाउंट जब हम साथ, साथ लिए गए, गए, तो इस तरीके से जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो परपेचुअल के एंडिंग में सभी चीजों को एक बार कैलकुलेट करें जाकर वो कहलाता है पेरियो सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट तो पेरोडिक वाला क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है इन्वेंट्री इज डायरेक्टली डायरेक्ट रिमाइंड और कॉस्ट ऑफ सेल्स इज टेकन एज रेजिडल फिगर ये डायरेक्टली हमें इन्वेंट्री की वैल्यू बता देता है वो और परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली डिटरमाइंड और इन्वेंट्री को हम रेजिडुअल फिगर लेते हैं इन्वेंट जो परपेचुअल होता है उसमें क्या होता है सेल्स की अमाउंट हमें डायरेक्टली पता लग जाती है बट इन्वेंट्री की अमाउंट हमारी जो रेजिडुअल बैलेंसिंग फिगर होती है वो होती है अब अगर कॉस्ट तो जो पेरविडिक वाला होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमें उसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता बट जो परपेचुअल होता है उसका मेंटेनिंग का कॉस्ट ज्यादा हो जाती है अब ये सारा ऐसी एक्स्ट्रा इसमें से आप जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए इम्पैक्ट ऑन बिजनेस और ऑपरेशन बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो अगर हमें पेरियोडिक इन्वेंट्री वोल्यूशन करना है तो बिजनेस को कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा बट जो परपेचुअल होता है उसमें बिजनेस को बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती है इन्वेंट्री कंट्रोल है तो अंडर दिस इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल पेरिडिक में इन्वेंट्री का कंट्रोल नहीं हो पाता है बट परपेचुअल में इन्वेंट्री पे कंट्रोल रहता है अब मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के तो चार मेथड हमारे पास गिवन है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फीफो मेथड लीफो मेथड और वेटेज एवरेज मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में क्या होता है इसमें जब हमारे पास कुछ हाई वैल्यू के गुड्स होते हैं उनके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब हम हर चीज को अलग से पहचान कर उसकी कॉस्ट पता लगा सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है मतलब जो चीज पहले पहले आई है है हम उसे पहले ही सेल करेंगे ये होता फर्स्ट फर्स्ट इन आउट मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है मतलब जो लास्ट में चीज आई है उसे सबसे पहले बेचेंगे बाकी जो पहले की पड़ी है उसे पड़ी रहने देंगे वो होता है लिफो और वेटेड एवरेज में वेट प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है देखिए मैं आपके सामने सभी का फॉर्मेट लाया हूँ ये है सबसे पहले फीफो का फॉर्मेट इनको आपको समझने में सबके में कुछ समझ नहीं आएगा जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा समझ में मैं सिर्फ फॉर्मेट दिखाने के लिए लाया हूँ आपके साथ एक बार कैसे बनता है डेट का कॉलम होता है रिसिप्ट का इशू का और बैलेंस का तीन मेन कॉलम होते हैं मतलब रिसिप्ट मतलब परचेज जो करी करिए इशू मतलब सेल्स जो कर रहे हैं और बैलेंस जो स्टॉक हमारे हाथ में है अब इन तीनों के अंदर तीन तीन कॉलम बनते हैं एक यूनिट का फिर दूसरा यूनिट पर प्राइस पर यूनिट प्राइस का और तीसरा टोटल अमाउंट का ये कॉलम बनते हैं और इसमें हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है इसे ये ये वाले का का है सेम ही लग रहा होगा आप लोगों को ये पर वेटेड एवरेज मेथड ठीक है अब है हमारे पास जो एनपीओ का चैप्टर है उसमें जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है इसमें जो और इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं लगा मेरे को तो मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो जो थोरी मार्क्स में कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखिए आप ये फॉर्मेट होता है इसमें डेबिट साइड में बैलेंस आता है बाकी सारी रिसिप्ट जितने भी कैश हमें रिसीव होता है वो डेबिट में और जितना कैश हमने पे करा होता है वो क्रेडिट में आता है यह आएगा आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस इसमें कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है क्लोजिंग में हमें या तो सरप्लस मिलता है या डेफिसिट मिलता है मतलब या तो प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है ठीक है डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे करंट ईयर के वो रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड में इनकम्स रिकॉर्ड होती हैं अब है हमारे पास ब्रांच अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास कुछ अकाउंट्स होते हैं और इन अकाउंट का पर्पस क्या क्या होता है ये हमें देखना है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस लिए बनाया जाता है तो टू एसरटेन एनी शॉर्टेज और सरप्लस कोई शॉर्टेज या सरप्लस हो उसे पता करने के लिए बनाया जाता है और टू एसरटेन क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग नहीं है तो इसका है ब्रांच डेटर का ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस लिए बनाया जाता है शॉर्टेज और सरप्लस इन स्टॉक ये सारा जानने के लिए बनाया जाता है सेकंड है ब्रांच डेटर सिस्टम ये किस लिए बनाया जाता है क्लोजिंग डेटर फाइंड करने के लिए ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाया जाता है टू एसरटेन टोटल एक्सपेंस इनसर्ड इनकर्ड एड ब्रांच ब्रांच पर कितने एक्सपेंस हुए हैं वो फाइंड करने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किस लिए बनाया जाता है टू एसरटेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जीपी और जीएल निकालने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस केस लिए बनाया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फंड करने के लिए गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के लिए बनाया जाता है टू ए सर्टे नेट कॉस्ट ऑफ एसेट्स गुड्स एंड टू ब्रांच ब्रांच को हमने कितनी कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं इसलिए यह बनाया जाता है ब्रांच कैश अकाउंट के लिए बनाया जाता है ब्रांच की सभी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए और ब्रांच फिक्स एसेट्स के अकाउंट के लिए बनाया जाता है जितने भी फिक्सड एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट का एक फॉर्मेट है इसका डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है वैसे ज्यादातर डेबिट बैलेंस होता है बाकी ये सारे मैंने आपको नीम्स बता दिए हैं क्या क्या आएंगे ये फॉर्मेट को आप देख लीजिएगा आपके लिए जरूरी है ठीक है मे भी आप लोगों ने इसका स्क्रीन वगैरह ले लिया होगा आगे चलते हैं हम ये आएगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट का फॉर्मेट ये आएगा आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट एक� का फॉर्मेट मैंने सभी के फॉर्मेट दे दिया है इनमें जो जो चीजें गिवन है वही वही सारी चीजें इनमें होती हैं फिर है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ये आपके सामने ये है ब्रांच डेटल अकाउंट का फॉर्मेट आपका ठीक है और ये है ब्रांच सेंट टू ब्रांच अगर ब्रांच ने किसी ब्रांच को गुड्स भेजे हैं तो ये होता है उसका फॉर्मेट में भी आप लोगों ने इन सभी फॉर्मेट्स को देख लिया होगा इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब देखते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग जो हमारा चैप्टर है इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ लोकेशन के बेसिस पर है जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे एक ही प्लेस पर एक कंपनी के अंदर अलग अलग प्लेस एक कंपनी के अंदर एक ही प्लेस पर होते हैं बस एक कंपनी में अंदर अलग अलग हो जाते हैं लेकिन जो ब्रांच होती हैं वो अलग अलग प्लेसिस पर लोकेटेड होती हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट में हमारा आता है डिपार्टमेंटल में अंडर अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मेंटेन बाय हेड ऑफिस जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है उसमें हेड ऑफिस सारे रिकॉर्ड बनाता है और ब्रांच अकाउंटिंग में अंडर इंडिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम सभी ब्रांचें अपने अपने अलग रिकॉर्ड्स बनाती हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में किसी कॉमन बेसिस पर एक्सपेंस दिए जाते हैं ब्रांच अकाउंटिंग में हमें एक्सपेंसेस एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती है रिकनसिलेशन तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में रिकन्सिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ब्रांच अकाउंटिंग में उन्हें अपने हेड ऑफिस से सारे अकाउंट्स को रिकनसाइल करना पड़ता है अब हमारे पास है लीजिंग वाले चैप्टर का कोई एक टॉपिक की एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं लीजिंग के तो नंबर वन सेविंग ऑफ कैपिटल कोई भी चीज़ हम लीज पर लेकर अपनी कैपिटल का एक्सपेंडिचर रोक सकते हैं सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल अगर हम खर्चा नहीं करेंगे कैपिटल का तो हमारे पास कैपिटल अवेलेबल रहेगी थर्ड गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस अगर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लीजिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है फोर्थ ऑनरशिप रिमेन विद लेसर ऑनरशिप जो होती है गुड्स की वो लेसर के पास ही रहती है फिफ्थ लेस फॉर्मेलिटीज ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती लीजिंग में सिक्स टेक्निकल सपोर्ट मतलब टेक्निकल सपोर्ट भी हमें इससे मिलती है सेवेंथ गार्ड अगेंस्ट ऑब्सोलेंस अगर जो हमारा खुद का एसेट होगा उसका ऑब्सोलेट होने का मतलब डेप्रीशियट होने का चांस ज्यादा रहेगा लेकिन इसका ऐसा कोई चांस नहीं रहता एट्थ है अमाउंट ऑफ रेंट जो लेसी होता है उसे रेंट की अमाउंट पे करनी पड़ती है छोटे छोटे टुकड़ों में ना कि इकट्ठी कोई अमाउंट पे करनी पड़ती है

तो वो हमारी फाइनेंशियल लीज कहलाती है ऑपरेटिंग लीज इफ डज नॉट ट्रांसफर ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स को ट्रांसफर नहीं किया जाए तो वो ऑपरेटिंग लीज कहलाती है ऑनरशिप फाइनेंशियल लीज में एट एंड ऑफ लीज पीरियड प्रोसेजन एज वेल एज इट्स ऑनरशिप राइट गेट ट्रांसफर जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल लीज होती है उसमें ऑनरशिप लास्ट में ट्रांसफर हो जाती है ऑपरेटिंग लीज में जो एसेट होता है वो लेसर के पास ही रहता है नेचर रहेगा फाइनेंस लीज इज अ शॉर्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट फाइनेंस लीज एक टाइप का क्या है लोन एग्रीमेंट है जिसमें लेसर जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है एक तरीके से और ऑपरेटिंग लीज में ये किसकी तरह है रेंटल एग्रीमेंट की तरह होती है ऑपरेटिंग लीज मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस द लाइबिलिटी ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस किसकी होती है लेस की होती है मतलब जिस पर्सन ने ली होती है फाइनेंशियल लीज के अंदर बट ऑपरेटिंग लीज में लेसर को सभी रिस्क बियर करने पड़ते हैं ड्यूरेशन जो फाइनेंशियल लीज होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है और जो ऑपरेटिंग लीज होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म पीरियड की होती है फ्लेक्सिबिलिटी एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन आर फ्लेक्सिबल एंड सब्जेक्ट टू चेंज जो फाइनेंशियल लीज होती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एडजस्ट किया जा सकता है और लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज है वो इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है यही सारी चीजें इसमें आपको दी हैं बाकी आगे आएगा हमारे पास जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उसमें से मैं भी कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का तो नंबर वन स्पीड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से हमारी स्पीड बढ़ती है अकाउंटिंग करने की सेकेंड एक्यूरेसी मतलब जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं वो एकदम एक्यूरेट होता है क्योंकि मशीन से किया गया है थर्ड अप टू डेट हमेशा अप टू डेट रहता है डाटा कभी भी कोई प्रीवियस डाटा नहीं अपडेट होता है, backup of data is possible. अगर हम data को backup करना चाहें तो वो data का backup possible रहता है है को हम quickly analysis कर सकते हैं ठीक तो देखिए दोस्तों इसी के साथ है हमारे, जितना भी थ्योरी पार्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट वो मैंने सारा पार्ट कवर कर लिया आज की इस वीडियो में मे भी ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी आप लोगों को पसंद आई होगी आप लोगों को यूजफुल लगी होगी अब जैसा कि आप सभी को पता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम जो बीकॉम वाले हैं उनका तो थर्ड फरवरी को ही है तो उन्हें ये हेल्प करने में बहुत मदद करेगी बाकी जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जिसमें आपको वीडियो के साथ में समझाऊंगा कैसे कैसे आपको सॉल्व ट्रांसफर करनी है इसकी एडजस्टमेंट ठीक है आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू